आज हम बनाने वाले हैं देसी पास्ता। बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होता है। बिल्कुल घर के सारे चीज़ों से हम इतना स्वादिष्ट इसे बनाकर तैयार करेंगे ना, तो चलिए जल्दी से देखते हैं इसमें क्या क्या घर के अवेलेबल चीज़ों से मैंने ये बनाकर तैयार किया है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं प्रिया, वेलकम बैक टू माई चैनल प्रिया लव्स किचन। तो यहाँ पर ना ये बचा हुआ आटा का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो जो गूंथा हुआ फ्रिज में हम लोग रख देते हैं ना आटा, उसमें थोड़ा सा मैंने सूखा आटा डाला है ताकि ये थोड़ा सा टाइट हो जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रिलीज़ करता है, पानी छोड़ता है फ्रिज वाला आटा। उसके बाद इसे अच्छे से सूखे आटे के साथ ना गूंथने के बाद इस तरह से छोटे छोटे लोइया हम सेम प्रॉपर साइज़ का बना लेंगे, और इसे ना ओवल शेप में जैसे हम नान बेलते हैं ना, इस तरह से लोई बना लेंगे पहले सारे का, और उसके बाद इसे बेल लेंगे हल्का सा आटा डस्ट करके दोनों तरफ से बिल्कुल ओवल शेप में। पहले गोल बना लेंगे और थोड़ा सा इसको सीधा बेल लेंगे, जैसे हम लोग नान के लिए रोटी बेलते हैं बिल्कुल उसी तरह से। तो सारा हम इसी तरह से इसी प्रोसेस से हम बनाकर तैयार करेंगे। और ये फ्रिज का आटा है तो थोड़ा सा स्टिकी रहेगा, तो थोड़ा थोड़ा आटा ना इस तरह से हम इसमें डस्ट करेंगे, और उसके बाद इसको हम लोग बिल्कुल ओवल शेप इस तरह का, ताकि हमें मोड़ने में ना ये आसानी होगा। तो इस तरह से हम सारा बनाकर तैयार कर लेंगे, दूसरा भी इसी तरह से हम कर लेंगे, और बाकी बचा हुआ भी ना सारा हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो पहले सारा लोई हम लोई का ना सारा हम इस तरह से पूड़ी बना लेते हैं। तो एक एक करके मैंने सारा ये बनाकर तैयार कर लिया है, ये रेडी हो गया है। अब क्या करेंगे ना कि हमारे पास जो लिपस्टिक होता है या फिर ये पेन है या फिर कोई डंडा, घर में अगर इस तरह का रोल वाला है आपके पास तो वो इस्तेमाल करें। इस तरह से ना रोल करते हुए आगे की तरफ हम इसे घुमाते जाएंगे और किनारे में ना पानी लगा देंगे ताकि ये चिपक जाए, अच्छे से स्टिक हो जाए, और इसे ना हम जब उबाले या फिर छाने तो ये खुले ना, इसलिए ये प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं, पानी में लास्ट में लगा देंगे। तो और बहुत इजीली से ना ये देख सकते हैं आप, ये लिपस्टिक निकल के बाहर आ गया है। तो इस एक तरफ एक बार ना इसको इस तरह से रोल कर लेंगे ताकि ये पानी से जो किनारे को हमने चिपकाया है वो अच्छे से स्टिक हो जाए। ये मैंने बना लिया है। दूसरा भी इसी तरह से हल्का सा पहले आटा से डस्ट कर लें, क्योंकि रखने के बाद भी ना बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रिलीज़ करता है। तो इस तरह आगे की तरफ फोल्ड करते हुए जाएंगे हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा टाइटली हमें रोल नहीं करना है, और इस तरह से किनारे में हम पानी लगा देंगे और फिर उसके बाद इसे हम निकाल लेंगे। तो एक बार इस तरह से रोल कर लेते हैं ताकि जो किनारे में पानी लगा है वो अच्छे से चिपक जाए, स्टिक हो जाए, और बहुत ईजिली ना ये लिपस्टिक बाहर आ जाएगा। आप पेन का इस्तेमाल करें, पेंसिल का इस्तेमाल करें, जो आपके पास अवेलेबल है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सारा इसी तरह से हम लोग बनाकर एक बारी में तैयार कर लेंगे। और उसके बाद मैंने पानी रख दिया था इसमें अच्छा खासा, और उसके बाद इसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच तेल का, कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, सरसों का तेल भी, और 1 बड़ा चम्मच इसमें नमक का डालेंगे। जैसे इसमें उबाल आ जाए ना, हल्का हल्का उबाल आए, तो ये जो हमने रोल करके रखा है, जैसे इसमें हल्का सा उबाल आ जाएगा ना, ये जो हमने रोल बना के रखा था ये सारा हम इसमें डाल देंगे। एक बैच में जितना भी जाएगा वो आप उस हिसाब से डाल दीजिए। और अभी ना ये अनकुक्ड है, मतलब पका नहीं है, तो नीचे है। जैसे ये पक जाएगा तो आप देख सकते हैं कि सारा ऊपर में तैरने लग गया है, तो इसका ये मतलब है ना कि ये अच्छे से पक गया है। अब एक एक करके ना इसे हम निकाल लेंगे, जितना भी इसका पानी है वो निकल जाए और ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। तो देख सकते हैं सारा मैंने निकाल के ना प्लेट पे पूरा बिखेर के स्प्रेड करके रख दिया है ताकि ये जल्दी से सूख जाए। यहाँ पे कुछ सब्जियाँ जो इसमें हम डालेंगे वो एक बड़े साइज़ का प्याज है, इसे हम बिल्कुल स्लाइसेस में ना पतला पतला कट कर लेंगे। तो पूरा प्याज हम पहले काट लेते हैं, टमाटर, लहसुन, मिर्च, सब्जियाँ आप अपने हिसाब से, अपने पसंद के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। तो सारा प्याज काट लेंगे पहले, उसके बाद टमाटर, बाकी सारी सब्जियाँ भी साथ में काट लेंगे। तब तक की जो है ना हमारा जो रोल जो हमने पका के रखा है, बॉईल कर किया है, वो भी ठंडा हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। और यहाँ पे ना 5 से 7 लहसुन है, उसको भी इस तरह से बारीक चॉप कर लेंगे। लहसुन का पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका फ्लेवर ना बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे ही काट के चॉप करके यूज़ किया है। 2 से 3 हरी मिर्च का इस्तेमाल कर ले, उसे बारीक चॉप कर लेंगे। और उसके बाद ना यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ का टमाटर है, इसको भी पतले पतले स्लाइसेस में कट करके इस्तेमाल करेंगे। तो जो भी सब्ज़ियाँ आपको इसमें डाली है ना, बिल्कुल कैप्सिकम हुआ, बीन्स हुआ, गाजर हुआ, मतलब पतले पतले स्लाइसेस में
जुवेनाइल कट्स कट के ये हम इसमें डाल देंगे। तो सारा सब्ज़ी हमारा रेडी हो गया। एक पैन लेंगे, उसमें डालेंगे सरसों तेल। ऑयल का इस्तेमाल कोई भी कर सकते हैं, बटर में या घी में बना सकते हैं। उसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच जीरा। जैसे ही जीरा चटक जाएगा अच्छे से, और उसके बाद ना हम इसमें, पहले मुझे लहसुन डालना था, मैं लहसुन डालना भूल गई थी, तो प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें लहसुन डालेंगे। तो पहले हम सौते कर लेते हैं प्याज को अच्छे से, हल्का सा इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए उतने देर तक इसको सौते कर लेंगे। और उसके बाद ना बीच में मैं इसमें लहसुन डाल के लहसुन को पका लेती हूँ, हल्का सा इसका कलर जब तक चेंज हो जाए तब तक थोड़ा सा इसको सौते कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो टू मीडियम रखेंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर अभी कुक नहीं करना है हमें। और उसके बाद जैसे ये सारी चीज़ें अच्छे से सौते हो जाएगी, कलर चेंज हो जाएगा, उसके बाद हम बारीक कटा हुआ हरा मिर्च और टमाटर डाल देंगे। और टमाटर को थोड़ी देर से सौते करेंगे, उसके बाद डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, ताकि हमारा जो टमाटर है ना वो अच्छे से गल जाए। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे बाकी का सूखा मसाला। तो यहाँ पे ना आप भुना हुआ जीरा का पाउडर, धनिया का पाउडर डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं मैजिक मसाला डाल रही हूँ, एक बड़ा चम्मच, एक से डेढ़ बड़ा चम्मच डालेंगे। ये स्वाद को बहुत अच्छा एनहांस करता है। अगर ये नहीं है तो भुना हुआ जीरे का पाउडर, धनिया पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद ना ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये बस कलर बहुत अच्छा ऐड करेगा, इसलिए ये डाला है मैंने। सारी चीज़ों को अच्छे से थोड़ी देर तक सौते कर लेंगे और इस तरह से भून लेंगे, और इसे ना कवर करके टमाटर गलने तक थोड़ी देर, एक से डेढ़ मिनट तक पका लेंगे। तो और उसके बाद इसमें हम डालेंगे बटर एक बड़ा चम्मच भर के, ये स्वाद को बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे बाकी सारी चीज़ों के साथ, और थोड़ी देर तक कवर करके इसको सौते कर लेंगे, भून लेंगे, ताकि हमारा सारा मसाला जो है ना वो अच्छे से गल जाए, मसाला पक जाए हमारा। और मीनवाइल ना हम इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो ये जो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ गया है, ठंडा हो गया है, तो इस तरह से ना छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। ये रेसिपी ना आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, पास्ता और मैगी से बहुत ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है। बाहर से तो बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, बड़े हो या बच्चे, आप किसी को भी सर्व करेंगे ना इस तरीके से, बहुत पसंद आएगा। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, झटपट भी बन गया आप देख सकते हैं। जैसे कि उसके बाद हम इसमें डालेंगे जो कट करके रखा था वो मैंने मिला दिया मसाले के साथ। उसके बाद इसमें पास्ता सीजनिंग या ओरिगैनो जो आपके पास अवेलेबल है वो डाल दें। बारीक कटा हुआ ढेर सारा धनिया डाल दें, और ये सेसमे सीड्स, वाइट वाला सफ़ेद वाला तिल है, ये डाल दें। ये तो वैसे भी बहुत हेल्दी है, तो ज़रूर से इसको डालें, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये हमारा देसी होम स्टाइल में ना पास्ता बन के तैयार हो गया है, बिल्कुल देसी स्टाइल है ये। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, थोड़ा सा कवर करके कुक कर देंगे, ताकि जो रस है ना वो अच्छे से सारी चीज़ों में मिल जाए। तो बस ये रेडी हो गया, फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इसे मिला लेते हैं एक बार अच्छे से। और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा ये देसी वाला पास्ता आपको कैसा लगा, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी वाली रेसिपी है, जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। थोड़ा सा इसको गार्निश कर लेंगे पास्ता सीजनिंग या ओरिगैनो से, सेसमे सीड से और बारीक कटा हुआ धनिया से, और इसको सर्व करें गर्मा गर्म इस मौसम में, हल्की हल्की बरसात में ना खाने में बहुत मज़ा आएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खाने में बहुत ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है, आप इसको टिफ़िन में भी दे सकते हैं या शाम के नाश्ते में भी बना सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय।